याशिका जी, जो आपने पोर्ट्रेट बनाया है ये, इसके बारे में थोड़ा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो बेसिकली मैंने जो ओल्ड फेस लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि उस मुझे रियलिस्टिक वर्क करना पसंद है। मुझे मेन मोटिव था सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ करने का बिकॉज उससे सॉफ्टनेस निकलते हैं, उनके रिंकल्स, उनके आई एक्सप्रेशन, मेन ओल्ड फेसेस में यही कैप्चर करना होता है कि एक्सप्रेशन उनके दिखे, उनके रियलिस्टिक स्किन टोन्स वगैरह दिखे, इसलिए सॉफ्ट पेस्टल्स था मेन। बाकी बेसिकली अपना उनका शेड्स देख सकते हैं आप लोग, उनके सारे टोन्स दिख रहे हैं, स्किन टोन्स के साथ साथ उनका जो भी कपड़ों का कलर्स है, ये सारे अपन लोग सॉफ्ट पेस्टल से बेटर निकाल सकते हैं, इसलिए द मेन पर्पस वाज सॉफ्ट पेस्टल। अर्चिता जी, आज जो आपने योगा पे बनाया है, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है कि सिर्फ आपने जो योगा को ही दिखाया है यहाँ पे? आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम पोजीशन में बनाया जाए। मैंने इसमें बुद्धा को रिमाइंड रखते हुए बनाया है और मैंने स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया क्योंकि गर्ल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बाहर की लाइफ में भी, घर की लाइफ में भी, तो मैंने योगा वाली पोजिशन उनको दी है। इसमें जो कलर्स हैं वो मैंने ऐसे दिए, जो पिंक कलर है वो गर्ल्स को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, एनर्जेटिक कलर्स दिए हैं, सनशाइन कलर्स है, येलो जो सनशाइन को डिवाइन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है गर्ल्स के लिए, ये सब है इसके अंदर। तो गर्ल्स को लेकर बनाया है, जैसे कहते हैं गर्ल्स सुबह ऑफिस भी जाती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गर्ल्स को योगा के पे के? ये उनको मेडिटेशन, उन लोगों को काम रखने की हेल्प, काम रखने में हेल्प करता है योगा, हर तरीके से काम रखता है कि आप अगर आधे घंटे भी करते हैं ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा कामनेस प्रोवाइड करवाता है कि आपका एकदम माइंड एकदम पीसफुल फील करता है। इसलिए इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया कलर्स में और ये सब? मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हुए हैं, फेविक्रिल कलर्स यूज़ करे हुए हैं और फैब्रिक कलर्स यूज़ करे हुए हैं, लेज़र कटिंग यूज़ करी हुई है। जो लिखा हुआ है ना श्लोक, योग चित वृत्ति निरोध, इसका मीनिंग होता है कि आपका माइंड जो है ना वो एक ही पोजीशन पे स्टेबल रहना चाहिए, ये सब इसका मीनिंग होता है। थैंक यू अर्चिता जी।